ये 10 लोगों का काम नहीं है। तेरी पगार कितनी है तो बात कितने करता है। सत श्री अकाल बाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ हमारे? 2 दिन हो गए। 2 दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को। हाँ चला जाओ, उधर जाओ, उधर ए तुम चलो, ए बगा टिकट बगा जाऊ। तुम्हारे सामने जो आदमी है उसके बैग में बॉम्ब है। ये साला कोई मामूली आदमी नहीं है। इसने देश के तमाम मासूम बच्चों और औरतों की हत्या की है। He's a damn terrorist. गाड़ी चालू करो और चुपचाप फॉलो करो उसे। कॉलेजचा गेट असेल तर प्रॉब्लेम आहे ना, गेटच नसेल तर। सूर्यवंशी में कैटरीना कैफ के अलावा और कौन सी हीरोइन देख सकती है? इतने बार मिले हैं रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार, लेकिन उसके बाद भी ये उनकी पहली फिल्म क्यों है साथ में? इस फिल्म में हमें और क्या नया देखने को मिल सकता है और क्या है ये लेडी कॉप यूनिवर्स? हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शिता अरोरा बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म सूर्यवंशी से रिलेटेड कुछ ऐसी बातों के बारे में और उनकी स्टार कास्ट के बारे में जो आपको नहीं पता हो सकती है। तो उन सारी बातों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आपको बता दें कैटरीना कैफ के साथ इस फिल्म में हमें दिखने वाली है निहारिका रायज़ादा। जी हाँ दोस्तों, निहारिका रायज़ादा जो कि फेमस संगीतकार ओपी नायर की पोती हैं। उन्होंने पहले न्यूयॉर्क इंपीरियल से अपनी पूरी कॉलेज की और फिर न्यूयॉर्क की एकेडमी में ही फिल्म अकेडमी या फिर एक्टिंग की पूरी सारी ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद उन्होंने कई सारे और भी फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी करियर की स्टार्टिंग हुई 2013 में जब उन्होंने एक बंगाली फिल्म यानी कि डामाडोर में काम किया था। वो हिंदी, गुजराती और बंगाली फिल्म में बहुत सारे काम करती आ रही हैं। 2010 में उनको मिस यूके का अवार्ड भी मिला था और साथ ही साथ उनकी मेन भाषा जो है फ्रेंच है, तो इसीलिए उन्होंने फ्रेंच में गाना भी रिलीज किया था। फिर अगर आपको बता दें कि निहारिका जो है वो संगीतकार यानी कि क्लासिकल संगीतकार में भी उन्होंने काफ़ी सारी ट्रेनिंग ली हुई है। अब इतना सब करने के बाद वो फाइनली दिखने वाली है हमें फिल्म सूर्यवंशी में अक्षय कुमार के साथ। सूर्यवंशी में अक्षय कुमार के साथ काम करने के बाद उनका ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर आप बात करें फिल्म सूर्यवंशी की, तो इसे आपको बता दें कि रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार पहली बार एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि एक दूसरे को काफी समय से जानते भी थे, लेकिन उन्होंने आज तक ऑफिशियली कोई काम नहीं किया है। अक्षय कुमार की पहली फिल्म में रोहित शेट्टी ने उनके बॉडी डबल का रोल किया था, जिसमें उन्होंने काफी अच्छा काम भी किया था, लेकिन ऑफिशियली किसी प्रोजेक्ट पर साथ पर काम करते नहीं नजर आए हैं। तो उनकी ये पहली फिल्म होने वाली है और इसीलिए ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है कि दोनों अगर साथ में मिल जाते हैं, यानी कि एक्शन डायरेक्टर और एक्शन सुपरस्टार अक्षय कुमार दोनों और एक साथ मिल जाते हैं, तो कितनी अच्छी फिल्म हो सकती है। यही रीजन है कि सूर्यवंशी की इतनी ज्यादा अवेट की जा रही है लोगों के साथ। इसे आपको बता दें कि लेडी कॉप यूनिवर्स क्या है, तो रोहित शेट्टी अपने एक नए प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि कॉप यूनिवर्स जो कि उनकी इतने टाइम से चल रही है, उसमें वो लेडी पुलिस ऑफिसर्स को भी इंट्रोड्यूस करें, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। और उनका कहना है कि कहानी पर वो काफ़ी काम कर रहे हैं और जिसके लिए ये फिल्म को बड़े से बड़े स्तर पर वो शूट करना चाहते हैं। तो क्या आप एक्साइटेड हैं लेडी कॉप यूनिवर्स के लिए और अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी की पहली एक साथ फिल्म यानी कि सूर्यवंशी को देखने के लिए? कमेंट सेक्शन में अपनी एक्साइटमेंट जरूर जाहिर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।